सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं और उसमें ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MP बोर्ड कक्षा 11वीं का ब्लूप्रिंट। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कक्षा 11वीं में इस साल सभी किताबें NCERT पैटर्न पर लागू की गई है, तो इसी क्रम में ये भी ज़रूरी हो गया था कि कक्षा 11वीं का ब्लूप्रिंट भी चेंज होगा। तो इसी क्रम में यह अभी अपलोड किया गया है लोक शिक्षण संचालय MP भोपाल के द्वारा, जो कि कक्षा 11वीं का ब्लूप्रिंट है। तो इसी को लेकर आज का ये वीडियो हम बना रहे हैं, जिससे कि कक्षा 11वीं के सभी बच्चे लाभान्वित हो सके। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आपको हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। प्लीज़ यार, जो भी चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आप सभी के लिए काफ़ी रोचक जानकारियाँ लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कक्षा 11वीं के ब्लूप्रिंट में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी विषय की। तो हिंदी विषय का ये पेपर का पैटर्न आपका होने वाला है 2021 की परीक्षाओं में। पूर्णांक 100 अंक का होगा, समय 3 घंटे का होगा। तो आप इसमें देख सकते हो 1 अंक वाले, 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, 4 अंक वाले प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो इसमें घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। बीच में ज़रूर ऐसा चेंजेस आया था कि 3 और 4 अंक वाले प्रश्न पूछे जाने थे, मगर फिर से एक नया चेंजेस आया है। अब वही पैटर्न पुराना रहने वाला है, जिसमें 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, 4 अंक वाले प्रश्न आपके सम्मिलित रहेंगे। तो आप देख सकते हो ये हिंदी विषय का ब्लूप्रिंट है। तो 5 अंक वाले भी कुछ रहेंगे इसमें, यानी कि कुल मिला के अगर अपन देखें तो पुराना वाला ही ब्लूप्रिंट एक तरह से इसमें लागू किया गया है। फिर भी आपकी जो किताबें चेंज हुई है उस आधार पर आप इसको नोट कर लीजिए। एक स्क्रीनशॉट ये ले लीजिए आप, और अगला स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो, और इसी के साथ में एक इसका ले सकते हो। चलिए हिंदी के बाद में हम बात करते हैं कि कुछ निर्देश है, आप इनको पढ़ सकते हैं। इसी के बाद में हिंदी के बाद में बात करते हैं संस्कृत विषय की। तो संस्कृत विषय में अगर देखा जाए तो इस तरह का ब्लूप्रिंट आपका रहने वाला है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो, ये दूसरा स्क्रीनशॉट आपका हो जाएगा। और हटाए गए जो पार्ट हटाए गए थे वो हटाए गए हैं, वो इसमें शामिल नहीं होंगे। आपको इसमें चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है। ये अंकों का पैटर्न होगा, आप इसको भी नोट कर लें। और इसी क्रम में अगर देखें ये तो ये कुछ चीज़ें और भी है। और आगे बात करते हैं हम इंग्लिश की। तो ये इंग्लिश का ब्लूप्रिंट है, आप इसको भी नोट कर लें। और अगर आपको ये जो ब्लूप्रिंट PDF फाइल में अगर आपको ज़रूरत पड़ती है या चाहिए हो, तो इसके लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF फाइल के लिंक सेंड कर दूंगा, जहां पर आप अपनी कक्षा को सेलेक्ट करके इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। तो इसकी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी जाके इसकी PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये कुल पैसेज वगैरह जो भी है, ये आपका अंग्रेजी का पैटर्न है पेपर का, आप इस आधार पे आप तैयारी कर सकते हो। और आगे अगर बात करें तो एक कुछ निर्देश है, आप इनको पढ़ लीजिएगा। और इस क्रम में अगर बात करें हम आगे कृषि के लिए, तो ये कृषि विज्ञान के लिए है। मैं वीडियो की लंबाई ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए छोटा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी ये भी समायोजित करना है कि सारी चीज़ें इसमें आ जाए। ये पशुपालन का लिए है, आप इसको नोट कर लीजिए बराबर। और इसी क्रम में अगर फसल उत्पादन की बात करें तो ये इसका है, आप इसको भी एक ही बार में नोट कर सकते हो। और आगे बात करें भौतिक शास्त्र की, तो ये भौतिक शास्त्र विषय का ब्लूप्रिंट है, आप इसको भी नोट कर लीजिए। आगे देखें ये, इसको पूरा नोट कर लीजिए। और इसी क्रम में अगर हम बात करें रसायन विज्ञान की, तो ये रसायन विज्ञान का ब्लूप्रिंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। एक स्क्रीनशॉट ये ले लीजिए आप, और अगला स्क्रीनशॉट ये ले सकते हो आप। तो ये कुल आपका पेपर है जिसका ब्लूप्रिंट इस प्रकार का बताया जाएगा। ये गणित विषय जिसका भी 11th में होता है उसका ब्लूप्रिंट है, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, पर प्लीज़ पूरा ज़रूर देख के जाइएगा। इसको देखने से आपके सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि सभी विषय के यहाँ पर ब्लूप्रिंट दिए गए हैं। ये जीव विज्ञान विषय का है, आप इसको भी नोट कर लीजिए। और अगर आपको ऐसे ही ब्लूप्रिंट सेम टू सेम PDF फाइल में अगर चाहिए हो आपको, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से आप इसको लिंक को ओपन करके डाउनलोड कर सकते हो। तो ये कुल ब्लूप्रिंट है आपका। और इसी बात में अगर इतिहास विषय की बात करें, तो इतिहास विषय का ब्लूप्रिंट है, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। और इतिहास के बाद में ये राजनीति शास्त्र का रहा, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। और इसी क्रम में अगर हम देखें भूगोल का, तो ये भूगोल का ब्लूप्रिंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद में अर्थशास्त्र का है, कला एवं वाणिज्य संकाय के लिए, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये थोड़ा बड़ा है,
जूम ज़्यादा करके सही रहेगा ये, अब इसको नोट कर लीजिए ये, और दो बार में इसका आ जाएगा। तो ये आपका हो गया है। तो अब हम आगे देखते हैं समाजशास्त्र, जिसका अगर किसी का विषय हो तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये समाजशास्त्र का ब्लूप्रिंट है और ये मनोविज्ञान विषय के लिए है, आप इसको भी नोट कर लीजिए। और आगे देखें तो ये लेखा शास्त्र है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये व्यवसाय अध्ययन के लिए है, जिस जिस स्टूडेंट के व्यवसाय अध्ययन अगर विषय हो तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसका भाग दो का ये पेपर है। आगे देखते हैं ये एनाटोनॉमी है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। और आगे देखें तो विज्ञान के तत्व, गृह विज्ञान के लिए है ये, आप इसको नोट कर लीजिए। ये गृह विज्ञान है, इसका भी आप नोट कर लीजिएगा। और ये गृह प्रबंधन है। और इसके में देखें इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस का जो पेपर होता है उसके लिए ब्लूप्रिंट है, आप इसको भी नोट कर लो। तो ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर यही पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट आपको PDF फाइल में अगर आपको चाहिए हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ओपन करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल को या हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे कि आपको हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।